नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर की, और कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर को हम अब एमओएस के थ्रू ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो तरीके से कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर की वैल्यू फाइंड की थी, एक तो एसपीएसएस के थ्रू और दूसरा प्रोसेस मैक्रो के थ्रू। अब ये जो एमओएस है, इसमें हमें कैसे कॉन्टिन्यूस मॉडरेशन हम करें ये हम देखेंगे। देखिए, हमारे पास जो है ये इस तरीके से वेरिएबल्स हैं। ये एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एम मॉडरेटर है, और एक्स इंटू एम ये हमारा इंटरेक्शन टर्म है। और हमारे पास केस स्टडी वही है जो हमने पहले वाले एसपीएसएस या प्रोसेस मैक्रो के थ्रू सॉल्व की थी। बैक कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, ये थ्योरी क्या बताती है कि डिप्रेशन डिपेंड ऑन स्ट्रेस, और इसके साथ साथ अगर मॉडरेटर हमारा नेगेटिव कॉग्निशन है, मतलब नेगेटिव फीलिंग है, तो डिप्रेशन भी हमारा चेंज होता है। वैसे अगर हम देखें कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या रिलेशनशिप है, हम ये समझ सकते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो डिप्रेशन भी बढ़ेगा, मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरीके से नेगेटिव कॉग्निशन, नेगेटिव फीलिंग अगर बढ़ेगी तो डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। ठीक है, और तीसरा जो इनका इंटरेक्शन से हम देखेंगे कि डिप्रेशन बढ़ रहा है या नहीं। ठीक, अब इसको समझने के लिए जो ये इंटरेक्शन टर्म है, ये हमारा पूरा एक मॉडल हो गया। ये देखिए, इस तरीके से स्ट्रेस नेगेटिव कॉग्निशन एंड स्ट्रेस इनटू कॉग्निटिव। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो एमओएस ग्राफिक है, एमओएस ग्राफिक में हम लोग एक अपना ये जो मॉडल है वो क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर सबसे पहले फाइल सेलेक्ट की, फाइल हमारी जो है डेस्कटॉप पर है, और डेस्कटॉप पर हमने जो फाइल सेलेक्ट की है उसका नाम है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन आ गया, और इसके बाद हमने ये फाइल ओके कर लिया। ओके करने के बाद अब जो है हमें सबसे पहले इसका जो नेचर है, जो टोटल हमने 80 पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कॉन्टिन्यूस जो हमारा मॉडरेटर है, इसमें तीनों के तीनों वेरिएबल डिप्रेशन स्ट्रेस कॉग्निटिव, तीनों के तीनों वेरिएबल हमारे स्केल में है। मतलब ये जो हमने लिया है रेशियो स्केल के, तीनों हमारे पास वेरिएबल्स है। जबकि दूसरे वाला जो केस था, से पहले वाला जिसमें हमने मॉडरेटर लो परफॉर्मेंस एंड हाई परफॉर्मेंस जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय टर्नओवर के बेसिस पर लिया था, तो एक तो इसमें डेटा को जानने के लिए पहले हम चाहें तो इनका कोरिलेशन आपस में निकाल लेते हैं कि ये कोरिलेशन क्या कह रहा है। तीनों को हमने इनको इधर ट्रांसफर किया और कोरिलेशन हम देखना चाहते हैं, तो ये देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे डिप्रेशन, अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो डिप्रेशन भी बढ़ता है, और कॉग्निटिव फीलिंग मतलब नेगेटिव फीलिंग अगर बढ़ती है तो डिप्रेशन भी बढ़ता है, तो तीनों के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक तो हमको ये समझना है कि जो मॉडरेटर है, ये जो नेगेटिव कॉग्निशन है, इसकी विदाउट की स्ट्रेस और डिप्रेशन की रिलेशनशिप क्या है। फिर अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, तब स्ट्रेस और नेगेटिव ये जो है डिप्रेशन की रिलेशनशिप क्या होगी, क्या नेगेटिव कॉग्निशन से स्ट्रेस और डिप्रेशन की जो रिलेशनशिप है वो वीक होगी या स्ट्रोंग होगी। ठीक है, तो अभी हम पहले एमओएस में जाने से पहले, एनालिसिस करने से पहले, इस डेटा को थोड़ा समझ लें। डिप्रेशन और स्ट्रेस में हम देखें कि कैसी रिलेशनशिप है, और इसको करने से पहले हम ये चाहेंगे कि इसको जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएं। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए तीनों को, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हमें इनका इंटरेक्शन भी चाहिए, तो इंटरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, और यहाँ पर हमने लिख दिया इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हमने टाइप कर दिया इंटरेक्शन, और इसमें जो इंटरेक्शन हम देख रहे हैं स्ट्रेस
और जो निगेटिव कोगिनिशन है उसका हमने इंट्रैक्शन देखा है, ठीक है। ये हमारे पास जो इंट्रैक्शन टर्म के लिए एक और वेरिएबल हमारे पास क्रिएट होकर ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने जो देखना है वो है कि लीनियर जो सिंपल बाइवेरिएट रिग्रेशन है, डिप्रेशन और स्ट्रेस, और ये देखिए इसमें हमने इनको एनालिसिस किया और देखा कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट आ रहा है रिजल्ट, ये देखिए। और ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस के बढ़ने से डिप्रेशन बढ़ता है, और ये जो पी वैल्यू है ग्रेटर देन 0.05 है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि इसमें जो है पी हमारा सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट आ रहा है बिकॉज पी वैल्यू हमारी लेस देन 0.05 से कम है। अब अगर हम देखें डिप्रेशन, देखिए इनका तो नेगेटिव, ये स्ट्रेस और डिप्रेशन का था सिग्निफिकेंट, अब कोगिनेटिव और ये जो डिप्रेशन का हम देखें कि इसमें क्या रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट आती है या नहीं। ये देखिए इसको भी हमने क्या किया, सिंपल रिग्रेशन हमने निकाला, ये देखिए, और यहाँ पर जेड स्ट्रेस की जगह हमने ये कोगिनेटिव जो है इसको हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किया, और इसमें जो वैल्यू देखी हमने ये भी हमारी एनोवा में पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, ये देखिए सिग्निफिकेंट पी वैल्यू। तो अगर हम अकेले अकेले लेते हैं तो ये वाली भी हमारी जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है। अब लेकिन हम ये समझना चाहेंगे कि अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें एज ए, मतलब ये स्ट्रेस को भी और नेगेटिव कोगिनेटिव को भी, तो क्या हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेरिएबल की या नहीं, ये हम इसमें देखना चाहेंगे। ये देखिए ये जो है अब हमने इनको अलग अलग ले लिया, मतलब अभी भी अलग अलग लिया, अब कि हमने यहाँ पे इनको दोनों को एक साथ ले लिया। ये देखिए ये मल्टीपल रिग्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें हमने देखा, देखिए एनालाइज में हम गए और रिग्रेशन, और ये जो है हमारा एक कॉग्निटिव के साथ, चलिए इसको मैं पहले स्ट्रेस को ले लेता हूँ, और स्ट्रेस के साथ कॉग्निटिव को लिया हमने और ये ओके किया, तो इसके बाद देखा रिजल्ट, देखिए ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये देखिए। लेकिन एक चीज हम यहाँ और देख रहे हैं, जब हमने कॉग्निटिव जो मॉडरेटर है इसको जब इंक्लूड किया तो स्ट्रेस हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, जो कि पहले हमारा विदाउट मॉडरेटर सिग्निफिकेंट आ रहा था, ये अब हमारा नॉन सिग्निफिकेंट आ गया, ठीक है। तो एक तो ये हमें पता चल गया कि जो मॉडरेटर ने काम किया, ये देखिए पहला वाला जो सबसे पहला हमारा था ये हमने देखा, जो मॉडरेटर ये डिप्रेशन और जो डिप्रेशन और स्ट्रेस के बीच में जो अभी सिग्निफिकेंट आ रहा था, हमने इसमें मॉडरेटर नेगेटिव कॉग्निटिव लेने के बाद जो रिजल्ट देखे वो हमारे डिफरेंट आ गए, इसका मतलब है इसने जो सिग्निफिकेंट था उसको नॉन सिग्निफिकेंट कर दिया। चलिए अब हम इसी तरीके से इंट्रैक्शन टर्म भी साथ में लेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या वो रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं। ये लीनियर किया हमने, ये हमारा यही मॉडल है, इसको हमने ट्रांसफर किया, इसका इंट्रैक्शन ले लिया और इंट्रैक्शन के बाद हमने ओके किया। चलिए हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए तीसरे इंट्रैक्शन के लिए हमने जेड डिप्रेशन को इधर डाला और इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने पहले वाले मॉडल में लिया, इसको नेक्स्ट किया और इसके बाद हमने इंट्रैक्शन किया, इंट्रैक्शन के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। और हमने कंटिन्यू करने के बाद ये इसको इस तरीके से किया तो ये कोरिलेशन टेबल आ गई और ये जो फाइनली हमारा जो मॉडल आया वो ये आया। पहला वाला मॉडल था जब इंट्रैक्शन टर्म यूज नहीं किया था, नॉन सिग्निफिकेंट था, लेकिन इंट्रैक्शन टर्म हमने इंक्लूड करने के बाद हमारा स्ट्रेस भी सिग्निफिकेंट हो गया और कॉग्निटिव भी सिग्निफिकेंट हो गया और इंट्रैक्शन टर्म भी सिग्निफिकेंट हो गया। इसका मतलब है कि जो कॉग्निटिव हमने लिया था नेगेटिव कॉग्निटिव वो हमारा सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है, मतलब इनकी जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथ या वीक कर रहा है ये इंट्रैक्शन टर्म, ठीक है ना। और यही काम होता है हमारे मॉडरेटर का कि इनकी जो रिलेशनशिप है उसको वो चेंज कर दे, ठीक है। जो अभी देखिए पहले जब हमने मॉडरेटर नहीं किया था ये स्ट्रेस हमारा,
नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा था और इसमें इंट्रैक्शन टर्म ऐड करने के बाद यही वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट आ गई। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ये तो हमने डेटा को समझने के लिए, अब हम एमओएस में जब इसको करते हैं, ये सबसे पहले हमने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली जहां पर थी और ओके करने के बाद हमने यहां पर देखा लिस्ट वेरिएबल इन द डेटा सेट और हमें ये चारों वेरिएबल चाहिए, पहला, दूसरा स्ट्रेस और तीसरा हमारा कोगनिटिव और चौथा ये इंट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ये वाला जो जेड स्कोर स्ट्रेस को हमने इधर लिया और कोगनिटिव को हमने इस तरीके से, और तीसरा जो इंट्रैक्शन टर्म का हमारा वेरिएबल है ये हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है, इसको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के लिए पहले हम इस मॉडल को बना लें, ये चूंकि कोवेरियंस बेस्ड मॉडल होता है हमारा, तो इसमें हमने सबसे पहले सिंगल हेडेड जो एरो है ये बेसिकली B1, B2 एंड ये B3 आ गया। और जैसे मैंने बताया ये कोवेरियंस जो एमओएस जो है हमारा ये कोवेरियंस बेस्ड है, ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये कोवेरियंस आ गए या कोरिलेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कोवेरियंस को ही कहते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर इसको ले लिया, अब ये मॉडल हमारा, इसमें हमने एक एरर टर्म भी लिया है ये देखिए, और एरर टर्म में वैल्यू हमने, और एक जो नाम है एरर इसको हमने ई, यहाँ पर हमने इसको ई दे दिया, और ई देने के बाद ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एनालिसिस प्रॉपर्टी में गए, एनालिसिस प्रॉपर्टी में जाने के बाद जो है हमने स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेशन किया इसका, और इसके बाद इसको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो देखिए इस तरीके से आ जाएंगे, और इसको जो है मैंने जो स्ट्रेस या डिप्रेशन के नाम से हमने इसको सेव कर लिया, ये हमारे पास आ गया। हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, ये डेस्कटॉप पर हमने इसको सेव कर लिया। ठीक, अब ये हमारे पास मॉडल एनालिसिस होकर आ गया, ये देखिए ये हमारे पास जब अनस्टैंडर्ड फॉर्म में है तब वैल्यू है, और ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म है ये B1 है, β1, β2 एंड β3 ये कोवेरियंसेस हैं आपस में जो कोरिलेशन है, जो भी हमने कोरिलेशन के थ्रू भी तीनों का निकाला था कोरिलेशन। ठीक, अब देखिए इसको इंटरप्रेट करने के लिए ये व्यू टेक्स्ट में जाएंगे हम लोग, और इस तरीके से हमारे पास जो है ये एस्टिमेट वाला आ गया कॉलम। तो हम देख रहे हैं कि जो ये रिग्रेशन वीट है ना, डिप्रेशन और स्ट्रेस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, पी वैल्यू हमारा सिग्निफिकेंट है, और अभी जो हमने इस वाले मॉडल में जो किया था ये देखिए 0.03 सिग्निफिकेंट आ रहा है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में। दूसरा है कोगनिटिव एंड डिप्रेशन का हम आउटपुट देखें, इस तरीके देखिए डिप्रेशन और कोगनेटिव ये भी हमारा पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रहा है, और इंट्रैक्शन भी हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है। यही हमने जब एस्पेसियस के थ्रू किया था तो तीनों देखिए ये स्ट्रेस भी सिग्निफिकेंट, कोगनेटिव भी सिग्निफिकेंट और इंट्रैक्शन भी सिग्निफिकेंट, तो मतलब जो मॉडरेटर है कोगनेटिव वो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है ना, अब इसमें ये जो है हमारा एस्टिमेट्स है, स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स, ये β1 इसको जो हम कहते हैं ये β1 है, ये β2 है और ये β3 है, तो इसको हम जो है जब अपने रिजल्ट्स में इसको हम रखेंगे कि B1 की वैल्यू 0.185, 0.743 एंड B3 के लिए 0.298। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने MOS के थ्रू इसको परफॉर्म किया, और क्रॉस चेक करने के लिए हमने साइड बाय साइड जो इसके थ्रू क्या कहते हैं हम SPSS में हम कैसे करते हैं दोनों को हमने क्रॉस चेक करके दोनों के रिजल्ट हमारे यहाँ पर सेम आ गए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।